ऊंट का लोमड़ी को सबक। बहुत समय पहले की बात है, एक बड़े जंगल में ऊंट और लोमड़ी रहते थे। उस बड़े जंगल के पास ही खरबूजों का एक पेड़ था, लेकिन जंगल के बीचों बीच एक नदी पड़ती थी। एक दिन दोनों ने सोचा कि आज तो नदी पार करके खेत में जाकर बहुत से तरबूज खाएंगे। दोनों ने एक दूसरे से सलाह की और खरबूजों के खेत की ओर चल पड़े। जैसे ही वो नदी के पास पहुंचे, लोमड़ी बोली, अरे ऊंट भाई, तुम जरा मुझे अपनी पीठ पर बिठा लो ताकि मैं नदी पार कर सकूं, नहीं तो मैं इस नदी में डूब जाऊंगा। मैं अकेला इस नदी को पार नहीं कर सकता। लोमड़ी की बात सुनकर ऊंट ने कहा, अरे हाँ भाई, बिल्कुल, आओ आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें नदी के उस पार बिठाकर ले जाऊंगा। लोमड़ी उसकी पीठ पर बैठ गई। थोड़ी ही देर में उन दोनों ने नदी पार कर ली और खेत में पहुंच गए। जैसे ही वो खेत में पहुंचे, उन्हें मोटे मोटे खरबूजे दिखे और वो दोनों मस्त हो करके ताजे खरबूजे खाने लग गए। थोड़ी ही देर बाद लोमड़ी का पेट भर गया और वो अजीब अजीब तरीके की आवाजें निकालने लगी। मेरा तो पेट भर गया, तरबूजे बहुत मीठे थे, मेरा पेट तो बहुत भर गया। अरे मेरा तो पेट भर गया, ओ मेरा तो पेट भर गया। ये देख ऊंट परेशान हो गया। अरे यार, तुम ऐसे मत चिल्लाओ, ये सुनकर अगर खेत का मालिक आ गया तो हमारी बहुत पिटाई होगी। लेकिन लोमड़ी चुप नहीं हुआ, वो गाना गाते गया और फिर वही हुआ, लोमड़ी की आवाज़ सुनकर खेत का मालिक वहाँ आ ही गया। अरे कौन है वहाँ, मेरे सारे खरबूजे, अभी आकर बताता हूँ वहाँ। खेत के मालिक को आते देख लोमड़ी तो झाड़ियों में छुप गया, पर लेकिन ऊंट बेचारा पिट गया, क्योंकि वो इतना ऊंचा और लंबा था कि चढ़ने पर भी नहीं चुप पाता। अब जब घर वापस जाने की बात आई तो लोमड़ी झाड़ियों से बाहर आ गया और ऊंट से बोला, अरे भैया मुझे अपने पीठ पर बिठा लो, अरे नदी बहुत गहरी है। ऊंट उस समय तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने लोमड़ी को सबक सिखाने के लिए उससे कहा, अरे हाँ हाँ बैठ जाओ, आ जाओ। लोमड़ी ऊंट के पीठ पर आकर बैठ गया और जैसे ही ऊंट नदी के बीचों बीच पहुंचा तो उसने जानबूझकर नदी में डुबकी ले ली। लोमड़ी ने उसे ऐसा ना करने के लिए कहा, अरे 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 भाई, मैं तो डूब जाऊंगा, ऐसा मत करो यार, मैं तो डूब जाऊंगा यार। अरे वो क्या है ना लोमड़ी भाई, भोजन करने के बाद अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है, खाना हजम करना पड़ता है ना, मेरी आदत है, ऐसा करता हूँ मैं। ये कहकर ऊंट ने दूसरी डुबकी लगाई। लोमड़ी डर गया। अरे भाई ऐसा मत करो, तुम समझो मैं डूब जाऊंगा यार, बस थोड़ी देर रुक जाओ, ऐसा मत करो यार। इस बार ऊंट की बारी थी, उसे लोमड़ी को सबक सिखाना था, इसलिए उसने भी लोमड़ी की बात नहीं सुनी और नदी में डुबकी लगाता रहा। और फिर थोड़ी देर बाद लोमड़ी फिसल कर गहरी नदी में गिर गया। अब लोमड़ी को उसकी गलती का एहसास हुआ। इसीलिए हमें सिखाया जाता है कि हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हम जैसा करेंगे वैसे ही हमें लोग मिलेंगे, जैसे को तैसा। ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।